ปีศาจพวกนี้อยู่ร่วมกับมนุษย์มาช้านานแล้วทำให้พวกมันวนเวียนชดใช้กรรมร่วมกับมนุษย์มาหลายต่อหลายชาติพวกมันเลยต้องคอยหลบหลบซ่อนๆและหนีจากการตามล่าकहानी की शुरुआत होती है और हम चार बच्चों को देखते हैं जिनका नाम है साई, जर्ड, नोई और टैट। ये चार रात में जंगल में जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है और उसके पास वो जाकर रुक जाते हैं। इस घर को लेकर पूरे गांव में एक कहानी बताई जाती थी कि वहाँ पर किसी साया का कब्जा था और जो भी यहाँ पर रात में आता है वो साया उसे मार देता है। ये कहानी सुन जर्ड इस पर हंसता है और फिर ये चार मिलकर यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। अब साई और नोई उसी घर में जाकर छिप जाते हैं। घर के अंदर साई को उसमें एक बॉक्स दिखाई देती है। वो जब बॉक्स को देखती है तो बॉक्स पूरा खाली था, लेकिन हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि साई के पीछे किसी साया का कटा हुआ सर हवा में ही फ्लोट कर रहा था। अब हम काफ़ी साल आगे चले जाते हैं एंड हम फिर से साई को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। साई अपने बिस्तर पर सोई हुई थी एंड जब वो उठती है तो वो देखती है उसके बेड पर खून लगा हुआ था जिसे वो साफ करने लगती है। साई एक डॉक्टर थी और गांव के अस्पताल में काम करती है। आज अस्पताल जाते वक्त रास्ते में उसे जड़ मिलता है। जड़ साई को बहुत ही पसंद करता था और उसके पीछे पीछे अस्पताल आ जाता है। यहाँ पर वो साई को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि इस वक्त अस्पताल में कोई भी नहीं था। और तभी एक लेडी वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आती है जिसे चोट लगी थी। साई उसका इलाज करने लगती है और बच्चे की माँ साई से कहती है कि पिछली रात उनकी नेबर की मुर्गियों को करासू ने खा लिया और कहती है कि कुछ गाँव वालों ने तो कल रात उस करासू को देखा भी था। करासू एक डीमन थी जो हमेशा रात को बाहर निकलती थी और जानवर को ही अपना शिकार बनाती थी। बच्चे की माँ उन्हें एडवाइस करती है कि करासू से बचने के लिए उन्हें रात के वक्त दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद रखना चाहिए। इनके जाने के बाद साई जर्ड से कहती है कि वो नोई को मिस करती है। नोई वही बच्चा था जो उस रात साई के साथ उस घर में गया था। साई कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है और क्या कर रहा होगा। रात के वक्त साई जब अपने दादा दादी के साथ डिनर कर रही थी उसे पता चलता है कि उसके पिता आज रात गांव वालों के साथ करासू से बचने के लिए पहरा देने वाले हैं। रात में जब साई सो रही थी तब उसे सपने में वही जंगल का घर और एक भयानक करासू दिखाई देती है। सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि आज फिर से उसके बिस्तर पर खून लगा हुआ है और इस बार खून कल से ज़्यादा था। घर के सारे खिड़कियाँ भी खुली हुई थी और उसके चेस्ट पर एक जख्म था। साई को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अस्पताल से वापस लौटते वक्त साई जड़ से जंगल के उस घर में जाने के लिए पूछती है। वो दोनों जब उस घर की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें उनके बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है। वहाँ पर नोई के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि दरअसल करासू के शिकारी थे जो गाँव वालों को करासू की कहानियाँ सुनाकर डराते थे। शिकारियों के सरदार उनसे कहता है कि करासू पहले इलाके की मुर्गियों का शिकार करती है और जब सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाती है तब वो गाय बकरियों जैसे बड़े जानवरों को खाते हैं। जब ये भी खत्म हो जाए तब करासू अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करते हैं और उसके बाद वो गाँव वालों को एक करासू का कटा हुआ सर दिखाता है। उसका कहना था कि करासू अगर किसी पानी में थूके तो वो पानी भी खर्च हो जाता है और अगर कोई लड़की उसे पिए तो वो भी करासू बन जाएगी, लेकिन अगर कोई लड़का उसे पिए तो एक क्रेन डीमन बन जाता है। इसी कहानी को सुनने के बाद गांव वाले करासू से डर जाते हैं और शिकारियों को गांव में रहने की परमिशन दे देते हैं और साई नोई के रहने का इंतजाम अस्पताल में ही कर। अब साई को कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो जेड से कह के अकेले अपने घर की ओर चली जाती है। दूसरी सुबह जब साई सोकर उठती है तो उसके बिस्तर पर आज और भी ज़्यादा खून लगा था और आज तो वो खून की उल्टी भी करती है। उसी दिन साई को ये पता चलता है कि कल रात करासू ने एक भैंस को मारकर उसे खा लिया था। नोई साई से कहता है कि जड़ ने भी उन शिकारियों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और जड़ को समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग अच्छे नहीं थे और तुम इन्हें ज्वाइन मत करो, लेकिन जड़ उसकी एक भी नहीं सुनता। और रात में जब जड़ शिकारियों के साथ पहरा देने निकलता है तब सबसे पहले वो साई के घर जाता है और उसे अच्छी तरह से दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साई को फिर से अजीब लग रहा था जिसके साथ ही उसके शरीर में बहुत ही तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक करासू में तब्दील हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि साई दरअसल वो करासू डीमन है और हर रात जो सपने वो देखती है वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच था। उसी रात एक औरत का बेटा गायब था इसलिए वो जल्दी से करासू हंटर्स के पास जाकर उनसे मदद मांगती है और तभी हम साई को जो कि करासू बनी हुई थी उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं जिस पर शिकारी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। करासू जब वापस जा रहा था नोई उसका पीछा करता है और ये देखता है कि करासू साई के कमरे में चला जाता है। खिड़की से देखने पर उसे पता चल जाता है कि साई ही वो करासू है जिस पर वो बहुत ही शौक और डर जाता है। जब दूसरे सुबह साई अस्पताल में जाती है तब नोई वहाँ पर नहीं था जिस पर वो उदास हो जाती है। पिछली रात के हादसे से डर कर नोई हॉस्पिटल छोड़कर चला गया था। अब हम नोई को एक मंदिर में देखते हैं जो कि मंदिर के प्रीस्ट से करासू के बारे में पूछ रहा था। प्रीस्ट उससे कहता है कि करासू इंसानों के साथ बहुत ही वक्त से रह रहे थे और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये करासू डीमन दरअसल काला जादू करने वाले इंसान हुआ करते थे जिनके गलत एन्चेंटमेंट्स की वजह से वो करासू में तब्दील हो गए थे।
नोवी प्रीस्ट से कहता है कि मेरा कोई अपना एक करासू है, मैं क्या करूँ। जिस पर प्रीस्ट उसे अपने दिल की बात सुनने को कहता है। आज रात जब साई करासू में तब्दील होती है, तब नोवी उसके लिए वहाँ पर मुर्गियाँ लेकर आता है। करासू उन मुर्गियों को खा लेती है और बाहर नहीं निकलती। दूसरे दिन जब साई अस्पताल आती है, वो नोवी को वहाँ पर देखती है, जो कि वापस आ गया था। नोवी को देख वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद नोवी हर रात साई के लिए मुर्गियाँ ले जाता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर गांव वाले बहुत ही परेशान थे, क्योंकि एक महीना होने को था और उन्हें करासू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जड अभी भी उन्हीं हंटर्स के साथ ही था। नोवी हर तरह की कोशिश में लगा हुआ था जिससे वह साई को फिर से इंसान बना सके। प्रेस्ट उससे करासू हर नाम के पौधे के बारे में बताता है, जिसे अगर करासू खा ले तो दोबारा इंसान बन जाएगी। अब साई अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची का इलाज कर रही थी और नोवी साई को जूस पीने के लिए देता है, जिसे वो आधा पीकर ही टेबल पर रख देती है। और हमें देखते हैं कि बच्ची उस आधे बचे हुए जूस को पी लेती है। साई का जूठा पीते ही वो भी कर्ज हो जाती है और रात होने पर वो एक करासू बन जाती है। बच्ची के पेरेंट्स ये देखकर डर जाते हैं और करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। शिकारियों का सरदार करासू को एक चिपकली का लालच दिखा उसे बाहर निकालता है और फिर उसे मारकर उसका दिल निकाल देता है। और बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि वो करासू में कब तक डील हुई, जिस पर वो कहते हैं कि अस्पताल से आने के बाद ही वो एक करासू बन गई। अब सरदार को साई पर शक होने लगता है कि वो भी करासू थी। साई बच्ची की मौत से बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसके कारण उसने अपनी जान गंवा दी और जल्द ही हंटर्स उसे भी मार देंगे। नोवी उसे शांत कराता है और तब साई उससे उसके साथ जंगल में चलने को कहती है, क्योंकि हर रात साई को सपने में वही घर दिखाई देता, तो उसे लगता है कि इसका इलाज उसी घर में कहीं होगा। नोवी साई के साथ जंगल में जाने लगता है, लेकिन शिकारी उन दोनों को जंगल में जाते हुए देख लेते हैं। वो दोनों जंगल में इस घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें करासू हब नामक वो पौधा मिल जाता है और साई उसे खा लेती है। साई को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब तक वो इन हर्ब्स को खाएगी तब तक वो करासू में तब्दील नहीं होगी। पास बैठे ही अब नोई और साई एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और किस करने लगते हैं। शिकारी भी यहाँ पर आ पहुँचते हैं और जड़ जब नोई को साई के इतने करीब देखता है तो गुस्से से वो उसे मारने लगता है। और हंटर से बचने के लिए साई कुछ हर्ब्स अपने साथ लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर वो उसी बॉक्स के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसे बचपन में उसके साथ हुआ सारा हादसा याद आा जाता है। जब वो बचपन यहाँ पर आकर छिपी थी, तब एक करासू ने उसे कर्ज कर दिया था और उस करासू के साथ जो कुछ हुआ उसे उस बारे में भी पता चल जाता है। सारे हंटर्स साई को मारने के लिए घर में आ जाते हैं। अब साई पूरी तरह से गुस्से में एक करासू में तब्दील हो जाती है और एक एक करके हंटर्स को मार गिराती है। जब सरदार साई को गोली मारने ही वाला था, चढ़ वहाँ पर आ जाता है और सरदार को ऐसा करने से रोकने लगता है, जिसमें वो खुद ही घायल होकर बेहोश हो जाता है। जंगल में अब करासू के होने से वहाँ पर एक छोटा सा तूफान आ जाता है। तूफान शांत होते ही नोई जल्दी से साई को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होने पर गांव वालों को ये पता चलता है कि करासू ने पिछली रात काफ़ी सारे गांव वालों को मार डाला था, जिसे देखकर अब सब गांव वाले बहुत ही गुस्सा हो चुके थे। और तभी हंटर्स का सरदार यहाँ पर जख्मी जड़ को लेकर पहुँचता है और सबसे साई के करासू होने की बात बता देता है। और ये सुनकर सब लोग गुस्सा होकर साई को मारने का डिसीजन लेते हैं। नोई ये सब सुन लेता है और साई के पास भागने लगता है ताकि वो साई को ये सब बता सके। लेकिन बीच रास्ते में उसे बहुत तेज की दर्द होने लगती है। पिछली रात उसने साई को किस किया था और इसलिए वो भी कष्ट हो चुका था। अब रात हो चुकी थी और सब गांव वाले साई के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर साई के पिता गांव वालों को रोकने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो लोग साई के साथ साथ उनके घर को भी जला देंगे। अब और कोई रास्ता ना होने पर साई के पिता उसे घर के बाहर बुलाते हैं। बाहर आने से पहले साई अपने साथ लाई हुई करासू हर्ब खा लेती है। उसे अभी भी इंसानी रूप में देखकर हंटर का सरदार चौंक जाता है कि वो रात होने पर भी करासू में कैसे नहीं बदली। वह सब गांव वालों के सामने ही साई पर करासू होने का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा साई हंटर से उनके सरदार पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि पिछले रात उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जड़ ने ही मुझे इनसे बचाया था। अब सरदार मुसीबत में पड़ गया था, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है और जाकर जड़ के घर में छुप जाता है। जड़ जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर सरदार उस पर हमला कर देता है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि सरदार भी खुद दरअसल एक क्रिमिनल था। सरदार जड़ को काट लेता है, जिससे वो भी कर्ज हो जाता है। एंड यहाँ पर आती है एक ट्विस्ट, एक कहानी। दरअसल कई सालों पहले क्रेन एक शैतान था जिसकी पत्नी क्रासवा थी, लेकिन एक दिन क्रासवा को एक इंसान से प्यार हो जाता है और इसीलिए उसके साथ भाग जाती है। बट तभी क्रेन उन्हें पकड़ लेता है और वो अपनी पत्नी करासू का दिल बाहर निकाल लेता है। और तब से क्रेन डिमंस में करासू को लेकर बदले की आग जल रही थी। अब साई हर रात वो पौधा खा लेती थी ताकि वो करासू ना बने, और दूसरी ओर नोई इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढ रहा था। जड़ की हालत भी कर्ज को लेकर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हंटर्स का सरदार अब जंगल में जाकर उन सारे हर्ब्स को जला देता है, जिससे साई के नॉर्मल होने की ओनली सोर्स भी खत्म हो सके। साई के पास भी अब जड़ी बूटी खत्म हो चुकी थी और नोई को भी इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, इसलिए वो साई को अपने साथ विदेश चलने को कहता है। साई यहाँ पर जड़ के घर जाती है, जहाँ पर जड़ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जड़ यहाँ पर उसे कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता था कि वो एक करासू है।
जिस रात साई अस्पताल से अकेली घर जाने के लिए जड़ से अलग हुई थी, जड़ उसके पीछे ही आ रहा था और उसने करासू बने साई को उस भैंस को खाते हुए देख लिया था। और यही रीजन था कि जड़ ने शिकारियों के ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि वो उन्हें साई से दूर रख सके। और अब जड़ साई को उसके साथ गाँव में रहने के लिए बहुत ही इंसिस्ट करता है। दूसरी ओर नॉइस जंगल में साई का इंतजार कर रहा था ताकि वो मिलकर यहाँ से भाग जाए। साई अपने सामान बांध कर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके पिता आकर उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर सब गाँव वाले मौजूद थे। साई के पिता सबको ये प्रूव करना चाहते थे कि साई करासू नहीं थी। इधर हंटर्स का सरदार जड़ को बार बार भड़काने लगता है कि साई ने उसे किया हुआ वादा तोड़ दिया और जल्दी वो नोई के साथ उसे छोड़कर चली जाएगी। जड़ गुस्से में अब पूरी तरह से क्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी ओर साई भी करासू में कन्वर्ट होने लगती है क्योंकि उसके पास अब हर्ब्स खत्म हो चुकी थी और सभी गाँव वालों के सामने ही एक करासू बन जाती है। गाँव वाले देख कर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं जिस पर करासू जंगल की ओर उड़ जाती है। खुद को बचाने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो साई की बॉडी को डैमेज कर देंगे। साई के पिता उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर सरदार और जड़ जो कि पूरी तरह से क्रेन बन चुके थे वहाँ पर आ पहुँचते हैं। क्रेन बना हुआ जड़ करासू को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था लेकिन पीछे से नोई उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो साई है। सरदार इस पर करासू को मारने के लिए उस पर छलांग लगाता है और जड़ करासू को छोड़कर सरदार से लड़ने लगता है जिसमें सरदार जड़ की दिल निकाल कर उसे मार देता है। नोई और साई के पिता साई की बॉडी को गाँव वाले से बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसे गाँव वाले ने बहुत ही बुरी तरह से हमला किया था। अब सरदार साई को मारने वाला था कि पीछे से उस पर एक गोली चलती है जिसे मंदिर के उसी प्रीस्ट ने चलाया था और सरदार भी मर जाता है। प्रीस्ट अब नोई से कहता है कि वो साई के शरीर को लेकर नदी के किनारे आए। नोई जब साई की बॉडी को नदी के पास ले जाता है वो शरीर को वहाँ रखी बोट में रखता है जिससे वो लोग शहर चले जाएंगे। वो साई से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उसे ठीक कर देगा। लेकिन दरअसल गाँव वालों के हमले से साई की बॉडी बहुत ही डैमेज हो चुकी थी इसलिए उसके शरीर में उसके सोल को दोबारा डालना मुमकिन नहीं था। नोई के इतना प्यार देखकर करासू डेमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। करासू बोट की रस्सी को काट देता है जिससे नोई वहाँ से जा सके। नोई साई को आखिरी बार देख ही रहा था कि जड़ के पिता करासू यानी कि साई को गोली मार देते हैं और साई की मौत हो जाती है एंड एक्साइडेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑन द मूवी द इनह्यूमन किस। कमेंट्स में याद से बताएं कि साई से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता था, नोई या जड़।